दोस्तों वो कह सकते हैं कि टास्क की आड़ में बिग बॉस ने एल्विश और फैजू का इस्तेमाल तो किया ही किया, लेकिन अब अदनान और लवकेश का भी टास्क की आड़ में बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। इस समय पर बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं और बात होनी भी चाहिए। खास करके एक मुद्दा ये है कि भाई लव कटारिया और अदनान शेख, ये दो लोग बिग बॉस के घर में आमने सामने आए हैं और ऐसे आमने सामने आए हैं कि भाई बवाल तो पक्का ही था और ये केक था बेसिकली। अदनान शेख और लवकेश कटारिया केक थे, उस पर एक चेरी लग गया एल्विश यादव के नाम का और एक नाम का फैजल शेख। और देखा जाए तो भाई मिस्टर फैजू और एल्विश यादव, ये दो लोग बिग बॉस के घर में आ जाने वाले हैं, लेकिन एक टास्क बिग बॉस ने इन दोनों के आने से पहले करवाया बिग बॉस के घर के अंदर, जिसमें ये सवाल पूछा गया कि लवकेश कटारी और अदनान शेख किसकी कंपनी आपको सबसे अच्छी लगती है, किसकी कंपनी बेहतर है। जिसके बाद सना मकबूल, विशाल, शिवानी, अरमान और दीपक ने वोट किया लवकेश कटारिया के लिए, और वहीं दूसरी तरफ नेजी, सना सुल्तान, सई केतन राव, कृतिका मलिक और रणवीर ने वोट किया अदनान शेख के लिए। यानी कि भाई बराबर से देखा जाए तो इक्वल वोट्स हो गए और ये मामला भी टाई होता हुआ दिखा। मतलब आधा घर लवकेश कटारिया के पक्ष में है तो आधा घर अदनान शेख के पक्ष में है। और इसके बाद एंट्री होती है दो महारथियों की, यानी कि एल्विश यादव और मिस्टर फैजू की। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।